This? No, no. No. Mom! This! What? Ow! Don't. Oh. It's hurt. You know, he was the only one person in my sasural jinhone mujhe equality di us pure ghar mein. Hi everyone, namaskar, salam, satri akal, welcome back to Deep Soul in One channel. I hope you all are doing really well. आज है होलिका दहन संडे और आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं. कल है रंग वाली होली. ये व्लॉग जो है वो ट्यूसडे को जाएगा, तब तक सबकी होली जो है वो अच्छे से मन चुकी होगी. तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना कि आपने कैसे कैसे सेलिब्रेट किया, क्या क्या पकवान आप सब ने बनाए, किस तरीके से आप होली खेले और आपके यहाँ पर कैसा वेदर चल रहा है. हमारी जो होली है वो बड़ी डिफरेंट सी है इस बार. यू ऑल नो पापा नहीं हैं और मेरे फादर इन लॉ, उनके जाने के बाद ये पहला बड़ा त्यौहार है और सब कुछ कर पाना बहुत बहुत मुश्किल था. मैंने पूरा दिन से कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था, हिम्मत सी नहीं पड़ रही थी यू नो, क्योंकि घर भी बात हो ही रही थी तो बात करते करते भी वो जी भर के आ रहा था बार बार. तो इंट्रो में वीडियो का कुछ भी नहीं रिकॉर्ड किया था. हाँ, शाम को जो मैंने खाना बनाया वो ज़रूर मैंने रिकॉर्ड किया. इस क्लिप के बाद आपको दिख जाएगा कि हाँ मैंने क्या बनाया. कुछ बहुत ज़्यादा नहीं बनाया, बट वही है कि पक्का खाना बनना ज़रूरी था. आज यहाँ भी बनाए, मेरे ससुराल में भी बना है. बट वहाँ पे ये है कि कुटुंब से कोई भी आके, मेरी कुछ देरानी जेठानी है, सगी तो कोई नहीं है मेरी, बट वही है कि जो कुटुंब से हैं दूसरे बाबा की, तो वो लोग आके बना के गए थे. आलू की सूखी सब्जी बनाई थी उन्होंने, पूरी बनाई थी, हलवा बनाया था. शगुन आई हुई है, उसकी होली की छुट्टी है. अमृता दीदी भी गई थी आज वहाँ पे, वो आती ही हैं अपनी ससुराल हर होली दिवाली पे जोत जलाने के लिए. तो फिर इस बार जो है वो गांव भी होके गई है मम्मी के पास, क्योंकि पहला बड़ा त्यौहार था, ऑब्वियसली परेशानी तो होती ही है. और हमारे यहाँ ऐसा है ना, मैंने शिवरात्रि वाले ब्लॉग में भी बताया था कि नॉर्मल वे में तो आप भले ही किसी त्यौहार का कोई भी जो है वो ट्रेडिशन ना भी फॉलो करो. अब जैसे मेरा है कि मैंने आई थिंक 2020 वाली जो होली थी ना, मैंने उस पर मेहंदी लगाई थी. उसके बाद फिर अगले साल ईवी के साथ मैं प्रेग्नेंट थी, फिर ईवी छोटी थी, तो मेहंदी मेरी बहुत ही कम जो है वो लगी है. मैंने लगाई नहीं, लेकिन रात एक्चुअली मैं भूल गई, मुझे लगानी थी, बट अभी मैं कोन निकाल के रख के आई हूँ, तो अभी मैं एक एक टीका लगा लूँगी. तो यू नो नॉर्मल वे में भले ही आप ना करो, लेकिन जब किसी का देहांत हो जाता है हमारे यहाँ, तो फिर पूरे साल के जो त्यौहार पड़ते हैं वो आपको प्रॉपर रिचुअल के साथ करने पड़ते हैं. इनकेस आप छोड़ देते हो तो आगे फिर कभी भी वो त्यौहार उस तरीके से सेलिब्रेट नहीं हो पाएगा. आगे आने वाली जनरेशन उसको सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगी और इसको आन पढ़ना बोलते हैं. तो जब मैंने शिवरात्रि के ब्लॉग में बताया था, तो आप में से बहुत सारे लोगों ने भी ओपिनियन रखी थी. उन्होंने अपने बताए थे कि हमारे यहाँ कुछ भी नहीं होता है, साल भर तक तो कोई शादी ब्याह नहीं होता है, लेकिन हमारे यहाँ वो सारी चीज़ें, शादी ब्याह जो होना है वो सब कुछ भी होता है. त्यौहार भी प्रॉपर तरीके से यू नो सादगी के साथ सेलिब्रेट किए जाते हैं. ये नहीं कि धम्मा चौकड़ी उधम मच रहा है. अब जैसे दिवाली भी होगी तो दिए भी जलेंगे, बट ये नहीं कि बहुत पटाखे फोड़ रहे हैं या फिर पूरी लाइटिंग शाइटिंग हो रही है, वो नहीं होगा. बट हाँ, जो ट्रेडिशन वे होता है कि दिया जलता है, पूजा होती है, पक्का खाना बनता है, वो सारी चीज़ें होंगी. सेम जो है वो आज होली का हुआ है कि आज जो है वो पक्का खाना बनाया, मैंने भी यहाँ बनाया है और घर पे भी बना है. तो वही है कि हर घर के जो हैं वो अलग अलग रिवाज होते हैं. हालांकि मेरी ससुराल में जो है ना वो होली पूजी नहीं जाती है. जैसे होली का बनाते हैं ना जो शाम को जिसका दहन होता है, तो वो पूजी नहीं जाती है. सिर्फ देवताओं पे जो है वो जोत जलाई जाती है और फिर शाम को जो है वो पक्का खाना बनता है. मेरे मायके में जो है वो होली पूजी जाती है. छोटे छोटे थे हम, मम्मी नए कपड़े हमें पहना के और होली पूजने लेके जाती थी, गले में होली हार पहनाती थी,
वो लियार बाजार से भी मिल जाते थे वो मीठे मीठे से, बट मम्मी घर पे बनाती थी वो सूखा नारियल जो गोला होता है वो, और ड्राई फ्रूट्स छुहारे वगैरह, और किसमी वाली चॉकलेट होती थी उस टाइम पे वो वाली करके, और मुझे याद है वो होली हार पहन के और जाते थे मम्मी के साथ, थाली मम्मी के हाथ में होती थी पूजा के सामान की, और जो वहाँ पे पंडिताइन होती थी उनको कुछ बायना दिया जाता था, और हमारे हाथ में होता था लोटा जिसमें जल होता था जो होली के चारों तरफ दिया जाता था, एक सूत्र होता था वो चारों तरफ बांधा जाता था। पर वो ये कि काफ़ी टाइम हो गया, लाइक 15 साल अब शादी को हो जाएंगे, तो मायके का तो कोई त्यौहार देखा नहीं है शादी के बाद से, जो या तो अकेले मने हैं या फिर अगर किसी त्यौहार पे ससुराल जाना हुआ तो फिर वहीं के त्यौहार देखे हैं। तो यस, काफ़ी कितना कुछ होता है ना बचपन का। तो जी यस, शाम को मैंने खाना बना लिया है और अभी जो है वो 8 बज रहे हैं, विकास ऊपर गए हैं ईवी को सुलाने के लिए, अद्वी भी चली गई है वो भी सो जाएगी क्योंकि कल फिर स्कूल है, और कल रंग तो फिर अद्वी जब स्कूल से आ जाएगी तभी हम एक दूसरे को लगाएंगे, क्योंकि सुबह सुबह तो फिर वो हो नहीं पाएगा, तो वो आ जाएगी तो उसके बाद ही फिर हम एक दूसरे का टीका कर देंगे। तो हमारा तो ऐसा ऐसा रहा है, बहुत अजीब सा लगता है पूरा दिन से ना, यूँ ही बार बार पापा की वो आ रही थी, ही इज़ द पर्सन ना, मैं जैसे ससुराल जाती हूँ तो मैं डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बना के जैसे देती हूँ, तो पापा इज़ द वन के आके वहीं तारीफ़ें करने लगेंगे। एक बार पता क्या हुआ था, शादी वाले साल की ही बात है, मेरी मदर इन लॉ का ऑपरेशन हुआ था, तो मम्मी शामली थी हॉस्पिटल में, और उसी दिन जो मेरी जेठानी थी पिंकी दीदी थी तब, तो वो और अमृता दीदी ये लोग मम्मी के पास गए थे देखने के लिए, मैं गांव में थी और बच्चों की पूरी पलटन मेरे साथ थी, अमृता दीदी के दोनों बच्चे और मेरी जेठानी के दो बच्चे, छोटे वाला शौर्य वो बहुत छोटा सा था तो उसको तो लेके दीदी गई हुई थी। और उस दिन हुआ क्या कि गैस ख़त्म हो गई, ठीक है, और खान और ये लोग दीदी और अमृता दीदी जो है इनको आने में मम्मी के पास से शामली से लेट हो गया, खाने का टाइम हो रहा है, मैं क्या करूं, बच्चे भी मुझे सारे देखने हैं, अब ना मुझे चूल्हा जलाना आता है। फिर मैंने माँ को आवाज़ लगाई, मेरी दादी सास को, कि माँ खाने का टाइम हो रहा है, बच्चों को भी भूख लग रही है, कैसे करूं। तो माँ आई खैर चढ़ के, वो ऊपर चढ़ती नहीं है, वो आई ऊपर चढ़ के, उन्होंने चूल्हा जलाया, और मुझे नहीं पता था प्रेशर कुकर, मैंने तो उसके ऊपर सब्जी मैं बना रही थी, पापा आके वहीं पे मेरे पास बैठ गए, उन्हें लगा कि वो बेचारी अकेली है ऊपर, तो पापा जो है वो वहीं बैठे रहे, तो पापा से बात करते करते मैंने वो सब्जी झोंक दी, और मैंने प्रेशर कुकर चूल्हे के ऊपर ऐसे ही रख दिया, मुझे नहीं पता था मिट्टी शिट्टी जो है उसके ऊपर लगाई जाती है। अब उसके बाद फिर आटा भी बना लिया, सारी चीज़ होगी, मैंने तवा भी रख लिया था, और मैंने 2 रोटी सेक ली थी, वो इतनी बुरी रोटी सेकी थी ना चूल्हे के ऊपर, क्योंकि कभी बनाई नहीं थी, और पापा वहीं बैठे थे, ही एट एंड ही वाज लाइक बड़ी स्वाद है, बड़ी स्वाद है। तो मुझे वही बातें याद करके मेरा जी भर आता है, मैं जब भी जैसा भी कुछ भी बनाती थी ना, ही ऑलवेज लाइक के बहुत अच्छा बनाया है, बहुत अच्छा बनाया है। तो यू नो, ही वॉज द ओनली वन पर्सन इन माई ससुराल जिन्होंने मुझे क्वालिटी दी उस पूरे घर में। बाकी लोग नहीं होते ना कि विकास ये कर रहा है, विकास वो कर रहा है, ऑब्वियसली वही आता है क्योंकि पहला रिश्ता जो है वो विकास का ही है उस घर से, मैं विकास के साथ आई हूँ बाद में, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि सब विकास को बहुत प्रेज करते, बट ही इज़ द वन, ही ऑलवेज से कि मेरी बहू कर रही है, विकास और दीपिका कर रहे हैं। तो यस, उन्होंने मुझे विकास के बराबर रखा, इवन नॉट इन हाउस, वो बाहर भी जाते थे ना तो भी सबके सामने यही कि हमारी दीपिका ये, हमारी बहू ये। बहुत जल्दी चले गए, मतलब मैं अपनी फीलिंग बता नहीं सकती हूँ, मुझे यही लगता है कि अब मैं कभी उनके पैर नहीं छू पाऊंगी। तो ओके, चलिए, तो सॉरी, हो जाता है सुबह से ऐसे ही हो रहा है, मैं इसीलिए वो इंट्रो रिकॉर्ड नहीं, बिकॉज आई नहीं हूँ कि मैं कुछ ना कुछ जिक्र करूँगी फिर ऐसे ही जी भर के आएगा मेरा। तो चलिए, अभी आप देखिए कि मैंने खाने में क्या बनाया था, और उसके बाद फिर मैं
रिकॉर्डिंग तो जो है वो अब कल को ही करनी शुरू करूँगी, बट आपको कंटिन्यूस इस व्लॉग में मिल ही जाएगा कि किस तरह से जो है वो हमारी होली गई है। इट इज़ अराउंड 6 PM और मैं किचन में आ गई हूँ डिनर बनाने के लिए। कुछ एक चीज़ें मैंने पहले से ही बाहर निकाल के रख दी थी ताकि वो रूम टेम्परेचर पे आ जाए, और सब्जी भी मैंने ऑलरेडी कट करके वॉश करके रख दी थी। और अभी मैं आपको बता रही थी ना कि मैंने प्रेशर कुकर चूल्हे के ऊपर ऐसे ही चढ़ा दिया था बिना मिट्टी लगाए हुए, तो वो इतना ज़्यादा काला हो गया था और उसके बाद जो रगड़ रगड़ के मैंने उसकी सफाई करी, कुकर तो चमक गया था लेकिन पूरी रात जो मेरे हाथ दर्द किए ना वो बस पूछे ना। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो फर्स्ट टाइम आप करते हैं, आपको पता नहीं होता है, गलत कर देते हैं, पर फिर आप सीख भी जाते हैं और गलतियों से ही इंसान सब कुछ सीखता है। तो चलिए आ जाते हैं आज के ब्लॉग के ऊपर। तो बहुत ही सिंपल सी हमारी आज की ये होली फेस्टिवल थाली होने वाली है, जो आप किसी भी दिन ऐसे भी बना के खा सकते हैं या फिर अपने गेस्ट को भी सर्व कर सकते हैं। यहाँ पे एक टिप शेयर कर रही हूँ कि स्टील के बर्तन को नॉनस्टिक बनाने के लिए ना उसको बहुत अच्छे से आप गर्म कर लें और उसके ऊपर ना फिर पानी के छींटे डालें। अगर छींटे डालते ही वो इवेपोरेट हो रहा है, इसका मतलब वो अभी नॉनस्टिक नहीं हुआ है, प्रॉपर गर्म नहीं है। लेकिन अगर वो मर्करी बॉल की तरह राउंड राउंड हो जाए ना, जैसे कि आपने अभी देखा, तो इसका मतलब है कि वो नॉनस्टिक हो चुका है। उसके बाद फिर फ्लेम जो है आप लो पे कर दें और फिर उसके अंदर ऑयल ऐड करें। और बस यहाँ पे हम सब्जी बनाते हैं, तो ऑयल मैंने डाल दिया था, फिर थोड़ा सा जीरा डाला है, प्याज डाल दी है बारीक कटी हुई, थोड़ा सा हींग ऐड करा है। प्याज को यहाँ पे मैंने हल्का सा भून लिया है और बिल्कुल वही यूपी स्टाइल जैसे कि मेरी मम्मी आलू गोभी की सब्जी बनाती है, मैं आज वो बना रही हूँ। इसके बाद मैंने थिनली स्लाइस किए हुए इसमें टमाटर ऐड कर दिए हैं, हल्दी पाउडर डाला है, रेड चिली पाउडर डाला है, थोड़ा सा धनिया पाउडर ऐड कर दिया है। साथ ही यहाँ पे मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, इससे जो टमाटर हैं वो जल्दी ही गल जाएंगे। और बिल्कुल थोड़ा सा मैंने यहाँ पे पानी ऐड करा है। आजकल के जो टमाटर है ना वो बहुत ही खड़े खड़े से आ रहे हैं यहाँ पे, तो थोड़ा सा पानी डालना पड़ता है उनको गलाने के लिए। सॉफ्ट वाले टमाटर हो तो फिर तो खैर ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप ही गल जाते हैं। अब मैंने इसको लिड से कवर कर दिया है और इसको मैंने 1-1.5 मिनट के लिए पकाया है। इतनी ही देर में जो हमारा मसाला है वो बहुत अच्छे से रेडी हो गया है, टमाटर हमारे भुन के यहाँ पे तैयार हो गए हैं, बिल्कुल भी यहाँ पे मॉइस्चर बाकी नहीं है और जो थोड़ा बहुत भी आप ऑयल डालते हैं ना वो साइड से सेपरेट हो जाता है। इसके बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे आलू और गोभी, और मैंने दोनों ही चीज़ों को एक ही तरह की लेंथ में और थिकनेस में कट किया है ताकि दोनों एक साथ ही गल जाएं। अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लाइक आलू जो है वो क्यूब्स में कटे हुए पसंद आते हैं आलू गोभी में, तो आप पहले आलू डाल दें, उनको थोड़ा सा गला लें और फिर गोभी ऐड करें, क्योंकि गोभी जो है वो जल्दी पक जाती है। तो उधर मैंने सब्जी को हल्का सा ही चला के कवर करके मीडियम फ्लेम पे छोड़ दिया है, और इधर मैं सूजी का हलवा बना रही हूँ। वैसे तो गुंजिया बनाई जाती है, बट वही है कि इस बार मन नहीं था कुछ भी करने का, लेकिन मीठा तो ज़रूरी बनना था, तो बस मैं यहाँ पे ट्रेडिशनल वे में वही सूजी का हलवा बना रही हूँ। तो अंदाजे से मैंने इसमें आधा कप घी ऐड करा है कढ़ाई में, और आधा कप ही मैंने इसमें सूजी ऐड करी है। अब इस सूजी को हम मीडियम फ्लेम पे बहुत अच्छे से भूनेंगे, तकरीबन 5 से 6 मिनट लग जाते हैं ये सुनहरा सा रंग सूजी में आने में। और जो मेजरमेंट है वो इक्वल आपको रखनी है, जितनी सूजी है उतना ही घी होना चाहिए। और यहाँ पे अब मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ, पानी जो है वो 4 गुना जाएगा। तो मैंने आधा कप की मेजरमेंट ली थी घी और सूजी के लिए, और ये 1 कप है जिसके मैंने 2 कप यहाँ पे ऐड कर दिए, तो आधे कप का हिसाब लगाए 4 गुना, तो वो 2 कप ऐड जाता है। इसके बाद जो है वो मैंने इसमें शुगर ऐड करी है, कायदे में इसमें दुगनी चीनी जाती है जितना जो है आपका घी होता है या सूजी होती है, बट मैंने यहाँ पे कुछ 1.5 कप के करीब ही ऐड, सॉरी 3/4 कप ही मैंने इसमें ऐड करी है, वो 1/2 कप वाला मेजरमेंट था क्योंकि फिर बहुत मीठा हो जाता है। और बस अब हलवे को जो है वो कवर करके मैंने पकने के लिए छोड़ दिया है, और यहाँ पे जो हमारी आलू गोभी की सब्जी है वो डन हो गई है ऑलमोस्ट। तो आलू मैं यहाँ पे कट करके देख रही हूँ, आलू और गोभी दोनों अच्छे से कुक हो गए हैं। अगर आपको इसमें मटर भी पसंद आती है तो आप मटर भी ऐड कर लें। मेरी बड़ी बिटिया जो है वो आलू गोभी बहुत शौक से खाती है, लेकिन अगर मैं मटर डाल देती हूँ तो फिर वो चुन चुन के निकालती है, तो इसीलिए मैंने मटर नहीं डाली है।
यहाँ पे पूरी का आटा लगा रही हूँ। तो मैंने 2 कप गेहूं का आटा लिया है, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करा है, अजवाइन डाली है हाथों से क्रश करके, और आज सुबह ना मैंने घी बनाया था, तो घी में से नीचे की जो छानस बच जाती है ना, ये मैं इसमें एज अ मोयन ऐड कर रही हूँ। वैसे मैं जब भी पूरी का डो लगाती हूँ ना, तो मैं मोयन वगैरह कुछ ऐस सच डालती नहीं हूँ, ऐसे ही बना लेती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी फिर फ्राइड होने ही वाली है। बट आज ये था मेरे पास, इसलिए मैंने सोचा कि चलो ऐड कर लूँ। इससे बहुत ही अच्छी जो है वो पूरी आपकी बन के तैयार होती है, खस्ता भी और मुलायम भी। और 2 कप में जो है वो पौना कप मैंने पानी ऐड करा था, और टाइट सा डो बना के हम रेडी करेंगे। और मीन वाइल यहाँ पे मैंने सब्जी को जो है वो एक बार चला दिया, मुझे थोड़ा सा पानी दिखाई दे रहा था, तो इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा और पकाया। तो अब बिल्कुल जैसी मेरे घर में पसंद की जाती है, आलू गोभी की थोड़ी सी मशी सी सब्जी बन के रेडी है, और पूरियों के साथ ये मज़े की लगती है। थोड़ी सी मैंने एक्स्ट्रा भी बनाई है, ताकि नेक्स्ट डे शाम को जो है वो थोड़ी सी हम चावल के साथ खाएं, और आलू गोभी की सब्जी चावल के साथ बड़ी टेस्टी लगती है। अगर आप भी खाते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब यहाँ पे मैंने इसमें ढेर सारा हरा धनिया ऐड कर दिया है, क्योंकि आलू गोभी की सब्जी बिना हरे धनिए के तो कंप्लीट होती नहीं है। और ये देखिए यहाँ पे जो हमारा पूरियों का डो है वो बन के रेडी हो गया है, और बहुत ही अच्छी खस्ता पूरी बनती है। और जो घी का ये छानस होता है ना, इससे आप मठरी, नमक पारे कुछ भी बनाए ना, तो आपको मोयन डालने की ज़रूरत नहीं होती है। और ये देखिए यहाँ पे जो हलवा है हमारा वो बहुत अच्छे से पक गया है, घी जो है वो इसका बिल्कुल सेपरेट सा हो गया था, ऊपर आने लग गया था, और बहुत ही ग्रीजी सा ये हमारा हलवा तैयार होता है। तो एक बार मैंने इसको चला दिया है, ऑलमोस्ट डन है। हमारे यहाँ इसी तरह से थोड़ा गीला गीला खाया जाता है, अगर आपको बहुत ड्राई पसंद है तो आप इसको थोड़ी देर खुला और पका लें, और ये बिल्कुल ड्राई सा हो जाएगा, घी इसका सेपरेट हो जाएगा। और बस यहाँ पे थोड़ा सा मैंने इलायची पाउडर इसमें ऐड करा है, ड्राई फ्रूट्स में नहीं डाल रही हूँ। आपको पसंद है तो आप ड्राई फ्रूट भी इसमें थोड़े से घी में रोस्ट करके डाल सकते हैं, ऐसे भी कच्चे डाल सकते हैं। जिस टाइम सूजी भुनने की हो ना, तो तब उस टाइम पे आप थोड़े से ड्राई फ्रूट ऐड कर दें, तो वो हल्के से रोस्ट हो ही जाते हैं। बट मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया है, और बस इसको थोड़ी देर के लिए मैंने और पकने छोड़ा है यहाँ पे, 2 मिनट के लिए ही, और 2 मिनट में इसका घी जो है वो ऊपर आ गया था। तो अब यहाँ पे हलवा हमारा रेडी है। अगेन जो मेजरमेंट है वो 1 1 2 4 की होती है, जितनी सूजी उतना घी, और दुगना जो है वो मीठा जाता है, और 4 गुना पानी जाता है। और ये मैं हर बार ही बताती हूँ जब भी मैं सूजी का हलवा आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो नए जुड़ते हैं चैनल पे, और उनको जो है वो फिर समझ नहीं आता है जो मैंने 20 25 या फिर 100 वीडियो पहले अगर कुछ बताया है, तो इसीलिए शेयर कर देती हूँ। और कुछ लोगों को लगता है कि फिर मैं रिपीट करती हूँ, बट आई हैव टू, क्योंकि सबका ही तो ध्यान रखना है। अब यहाँ पे बूंदी का रायता बना रही हूँ। बूंदी मैंने ऑलरेडी सोक करके रख दी थी, और इसमें जो है वो मैंने थोड़ा सा नमक डाला है, रेड चिली फ्लेक्स डाले हैं, थोड़ा सा पुदीना पाउडर ऐड करा है, और इसके बाद मैंने इसमें जो है वो दही ऐड कर दी है। और बस अब इसको हम यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और हमारा जो बूंदी का रायता है, बेसिकली हमारे यहाँ इसको सन्नाटा बोला जाता है, जब इसमें ढेर सारी मिर्ची पड़ी हुई होती है ना, और ये पी के मज़ा ही आ जाता है, और पूरियों के साथ तो दिस इज़ बेस्ट कॉम्बिनेशन एक्चुअली। तो रायता हमारा रेडी हो गया है, ऊपर से बस मैंने रायता मसाला इसमें स्प्रिंकल कर दिया है। और ये देखिए हमारी ईवी मैडम को, इनको जो है वो किचन की हर चीज़ चाहिए होती है, खिलौनों से नहीं खेलेंगी, किचन के सामान से खेलेंगी। और बिंदी इसने मेरी लगाई हुई है, मेरे माथे पे तो ये बिल्कुल नहीं छोड़ती है, तो मेरी बिंदी इसने लगा ली है, और मेरे पास लिक्विड बिंदी थी नहीं, तो आज मैंने वो आईलाइनर से छोटी सी डॉट लगाई हुई है, उसको भी इसका मन कर रहा था कि किसी तरह से उतार दूं, तो काफ़ी खुरच रही थी, बट खैर वो उतरी नहीं। तो पता नहीं बच्चों को क्या शौक चढ़ता है ये बिंदी उतारने का, ईवी का भी भैया, और इसी वजह से मैं डेली में आजकल बिंदी कम ही लगाती हूँ, क्योंकि वो मेरे माथे पे छोड़ती नहीं है, उसके माथे पे मैं लगा दूँ तो फिर लगी रहने देगी, तो फिर बड़ी क्यूट सी लगती है जब मेरी बिंदी लगा के वो घूमती है। तो इस बार सोच रही हूँ कि इंडिया जाऊंगी तो लिक्विड वाली बिंदी लेकर आऊंगी, ताकि एटलीस्ट मैं डेली में लगा पाऊँ। तो यहाँ पे मैंने जो है वो कढ़ाई भी चढ़ा दी है पूरियाँ फ्राई करने के लिए, और
डो जो है उसको मैंने थोड़ा छोटा छोटा जो है लोइयों में तोड़ लिया है, और अब एक्सार करके मैं पूरियां बनानी शुरू करूंगी। साथ साथ जो है वो तैयारी भी कर रही हूँ कि एक बोल में मैंने पेपर टाल लगा दिया है जिसमें मैं पूरी रखूंगी, और पूरी प्रेशर पे जो है वो आज मैं प्रेस करके ये पूरियां बनाने वाली हूँ। जल्दी हो जाता है काम, वैसे तो विकास आके जो है वो हेल्प करा ही देते हैं, बट वही है कि ईवी को भी देखना होता है, और जो है वो अदवी कई बार परेशान हो जाती है क्योंकि ईवी कर ही देती है उसको परेशान बहुत ही ज्यादा बोल बोल के। तो चलिए बस अब फटाफट यहाँ पे पूरियां उतार लेते हैं, और उधर अदवी का हाथ दिखा होगा ना आते हुए, तो जहाँ रोटियां बनी और पूरियां बनी दोनों बच्चियों को जो है वो आटा चाहिए ही होता है। ईवी तो बैठ के जो है वो रोटियां बनाती है, और अदवी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बनाती है क्योंकि उसको क्ले मोल्डिंग का बहुत ज्यादा शौक है। और ये मेरी आयन की कढ़ाई, इसकी हालत देख लो, 2 बार इसमें मैंने फ्राई किया है और अभी ये अच्छी खासी सफाई मांग रही है, तो इस बार जो ऑयल है वो निकाल के इसका, और इसको मुझे अच्छे से घिस के क्लीन करना है, नहीं तो अगली वीडियो में जब ये कढ़ाई देखेंगे फिर आप बोलेंगे कि दीपिका कढ़ाई बड़ी गंदी हो रही है, बट 2 ही बार इसमें फ्राई हुआ है और अभी जो है मैं इसको अच्छे से क्लीन करूंगी, तो आप चिंता मत करना। और ये है हमारी होली स्पेशल आज की थाली, पूरी हलवा आलू गोभी की सब्जी साथ में रायता। मैं भी चेंज करूंगी, वो सोएगी अभी। हाँ व्हाट? ओके वेयर इज फाउंटेन? वेयर इज मॉन्स्टर? इन्हों आजा तेरा भी आउटफिट दिखा दो। फ्लाई She is giving ice cream to everyone. Ice cream. Thank you. I don't want ice cream. Yummy, yummy, yummy. Huh? Evie. Ice cream. Yeah, ice cream. Evie, can I have a hug? Brush your teeth first. आइसक्रीम खा के इट हर्ट्स। आज कुछ नहीं मिलेगा। गुड मॉर्निंग एवरी वन, हैप्पी होली, रंग वाली होली। सुबह का टाइम है, अदवी का लंच बॉक्स मैंने पैक कर दिया, अभी दिखाती हूँ। चाय हमारी रेडी है, विकास को मैं ऑलरेडी दे आई हूँ, थोड़ा सा काम मेरा बाकी है, उसके बाद फिर मैं अपनी भी चाय छान लूँगी, तो दिखाती हूँ आपको कि तो अदवी को लंच बॉक्स में वही उसकी एक्टिमल होती है, एक ये पफ रोल कुछ बेकरी आइटम होता है जिसका नाम ही नहीं ध्यान रहता कभी भी, और एक ये बेल्जियन वेफल है, और मैंने बनाए हैं आज पटेटो सैंडविचेस उसके लिए। और सॉरी सुबह सुबह की आवाज़ ना ऐसी ही है। लंच का टाइम हो रहा है तो भाजी मैंने गर्म होने के लिए रख दी है, और अभी यहाँ पे मैं प्याज काट रही हूँ क्योंकि पाव भाजी बिना प्याज और हरी चटनी के तो होती नहीं है, और हरी चटनी जो है ना वो फ्रीज़र में ख़त्म हो रही है। मैं ना हमेशा बल्क में बना के और फ्रीज़ कर लेती हूँ, फिर जब भी ज़रूरत होती है उसको निकाल के थॉ करके हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। बट ये है कि लकीली हरा धनिया रखा हुआ है फ्रिज में, तो बस थोड़ी सी मैं हरी चटनी बनाने वाली हूँ। और यूजुअली क्या होता है ना रंग वाली होली पे,
एक तो चाट पकौड़े वगैरह जो है वो बन जाते हैं, तो जैसे दही बड़े बना लेते हैं, कुछ और भी चाट बन जाती है, या फिर जैसे गुंजिया हो गई, नमक पारे हो गए, तो इसी तरह का स्नैक्स जो है ना वो खाया जाता है। क्योंकि आधा दिन तो 12 एक बजे तक तो सब लोग रंग से खेलते ही हैं, इंडिया की बता रही हूँ। मेरा तो आज वर्किंग था, विकास भी वर्किंग है, अभी भी स्कूल गई हुई है, तो यहाँ छुट्टी तो होती नहीं है। तो वही होता है कि इस तरह के स्नैक वगैरह खाए जाते हैं। और फिर होली वाले दिन, जैसे जिस दिन होलिका दहन यानी कि कल का जो दिन था, उसमें पूरी वगैरह बनती है ना, तो सब एक्स्ट्रा ही बना लेते हैं। तो अगले दिन लंच का काम जो है वो उन्हीं चीजों में निकल जाता है कि जो रखा हुआ है वो खा लिया, और दही बड़े चाट वगैरह ये खा लिया। फिर शाम को जो है मोस्टली सबके घरों में खिचड़ी टाइप कुछ भी लाइट फूड बनता है, क्योंकि ऑलरेडी इतना ज्यादा है ना, पहले दिन भी फ्राइड खा लिया, दिन में भी बचा हुआ और चाट वाट खा ली। तो ऐसा होता है हमारी तरफ, तो बाकी किसी किसी के यहाँ अलग भी रहता है। प्याज की काटते हुए नहीं लगी अभी, एकदम से झल आई है। ओह चलो इसे धो लेती हूँ पहले मैं, फिर मैं हरी चटनी बनाती हूँ। माय गॉड बहुत ही तेज लगी एकदम से, मुझे लग रहा था कि आज कैसे बिना आंसू के मैंने प्याज काट दी है, बट नहीं, उसने अपना रंग दिखा ही दिया मुझे। और मैंने मेहंदी लगा ली थी, अगर आपको देखिए बहुत ही लाइट सा है, तो मुश्किल से 5 मिनट बस लगा के नहीं ही करना था, दोनों हाथ पे इधर भी है, एक टिक्का लगाया इधर का तो बहुत ही हल्का है, और ये इस पे बहुत हल्का सा दिखाई देगा, तो 5 मिनट लगाई थी, बस नेग ही करना था मुझे कि हाँ मेहंदी भी लगाई है, तो हो गया ये भी। और चलो चटनी बना लेती हूँ, प्याज को धुलूँ मैं, नहीं तो यहाँ ये खतरनाक काम कर देगी। Hey G Star. Yeah. Yes. Oh, Evie, be like, happy holiday. Come, Mish. Come on. Misha. बस ज़्यादा नहीं लगाना बेटा, थोड़ा थोड़ा को मैं उसको लेके आऊँ। Misha. Misha, this is what we've come for. Come on. Go put someone massy in your tika tika. Happy holiday. Happy holiday. शाम के टाइम आकांक्षा आ गई थी मीशा और माइल्स को लेके। माइल्स की ये पहली होली थी, और यू नो अच्छा लगता है जब फ्रेंड्स आपके इमोशंस का ध्यान रखते हैं और इस तरह के मौके पे आपके पास आ जाते हैं। तो हम सब ने एक दूसरे को टीका किया, रंग लगाया, और हमारा जो होली का त्यौहार है वो कंप्लीट हुआ। और बस इसी के साथ जो है हम इस वीडियो के एंड पे आ गए हैं। आई होप आपको इस साल का ये होली व्लॉग पसंद आया होगा। कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक दे के मोटिवेट करना बिल्कुल ना भूलें, और मैं शॉर्ट्स भी अपलोड करती हूँ तो शॉर्ट्स भी आप प्लीज़ देख लिया करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर, एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय बाय।